गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। हाँ जी गुड इवनिंग। सभी को गुड इवनिंग जितने भी स्टूडेंट हैं और आप जो आपके ग्रुप वगैरह के अंदर शेयर कर सकते हैं वीडियो को, यदि कोई देखना चाहे तो देख सकते हैं। आगे हम CHO क्रैश कोर्स की तरफ चल रहे थे, उसके अंदर फंडामेंटल हमने काफ़ी कर ली थी, दो यूनिट सी और छोटी मोटी चीज़ें रही है, उसके बाद हम और आगे चले जाएंगे। ठीक है तो रेडी पढ़ने के लिए स्टार्ट कर दें। वॉइस विजिबिलिटी क्लियर? गुड इवनिंग सभी को। चलिए स्टार्ट कर देते। हाँ जी कम्युनिटी की क्लास कल होगी, आज नहीं होगी, कम्युनिटी की क्लास कल होगी। ठीक चलिए CHO क्लासेस चल रही है हमारी, कम्युनिटी CHO क्लासेस। ठीक है कम्युनिटी की क्लास कल होगी, आज क्लास कम्युनिटी की नहीं होगी। ठीक है चलिए शुरू कर देते हैं। आज हमारी यूनिट है और जो इम्पोर्टेंट थिंग है वो है ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग हम यहाँ पे डिस्कस करें। ठीक है और जैसे ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो पहले हमको ये चीज देखना पड़ेगा कि ड्रग की फॉर्म्स क्या होती है, कि कौन कौन सी ड्रग की फॉर्म होती है। ठीक है तो हम बात करते हैं फॉर्म्स ऑफ ड्रग। ठीक है फॉर्म्स ऑफ ड्रग कि ड्रग की कौन कौन सी फॉर्म्स होती है, जो डायरेक्ट कई बार क्वेश्चन आ जाता है, वन लाइनर क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलते हैं। तो फॉर्म्स की तरफ चलते हैं कि कौन कौन से ड्रग की फॉर्म होती है, मैं नाम लिखता जाऊंगा। ठीक है और आपको देखता जाना है साथ साथ। ठीक है एक चीज छोटी सी कई बार ये पूछ सकता है एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है, एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है। ठीक है और हम बात करें तो एक्सट्रैक्टेड क्या होता है, एक्सट्रैक्ट क्या होता है सेकंड। तीसरी बात करेंगे हम आपके लिनिमेंट क्या होता है, चौथी बात करेंगे ऑइंटमेंट क्या होता है, ऑइंटमेंट क्या होता है। ठीक है फिर आगे और इम्पोर्टेंट चीजों पे हम बात करें। ठीक है एक्वस सॉल्यूशन, एक्वा का मतलब पानी होता है, एक्वस सॉल्यूशन की बात करें तो कोई भी ड्रग को, ड्रग डिजोल्व इन वाटर, यदि पानी में किसी ड्रग को डिजोल्व किया गया है तो उसको एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं। जैसे पहले इंजेक्शन आते थे डाइनाफार AQ, आगे AQ लिखा हुआ मतलब होता था, मतलब क्या है एक्वस सॉल्यूशन आपके है। एक्सट्रैक्ट का मतलब क्या होता है ध्यान से समझना, कॉन्सेंट्रेटेड प्रिपरेशन ऑफ ड्रग, कॉन्सेंट्रेशन प्रिपरेशन ऑफ द ड्रग फ्रॉम वेजिटेबल सोर्स। वेजिटेबल सोर्स और प्लांट सोर्स, सिंपली बात करें एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है कंसंट्रेटेड प्रिपरेशन, जैसे ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट आता है, हनी एक्सट्रैक्ट आता है। ठीक है ग्रीन टी आती है ना डालने की, तो ये क्या होता है कंसंट्रेटेड प्रिपरेशन से होते हैं। ठीक है इनके जो प्लांट सोर्स से हमने इसको क्या किया है तैयार किया। लिनिमेंट की बात करें कि लिनिमेंट क्या होता है, तो लिनिमेंट के आगे भी एक लाइन लिख लीजिए, मेडिसिन मिक्स्ड विद सोप ऑयल और एल्कोहल, मेडिसिन मिक्स्ड विद सोप ऑयल, सोप ऑयल एंड एल्कोहल एंड रब्ड ओवर द स्किन, रब्ड ओवर द स्किन, इसको क्या बोलेंगे हम लिनिमेंट बोलेंगे। ऑइंटमेंट की बात करें, ऑइंटमेंट की बात करें तो ऑइंटमेंट देखिए कि क्या होता है, आपकी नेक की क्वालिटी को इंक्रीज कर लीजिए थोड़ा सा क्लियर दिख जाएगा। ऑइंटमेंट जो हम लगाते हैं ऑइंटमेंट उसकी बात करें तो ये क्या है, सेमी सॉलिड प्रिपरेशन ऑफ ड्रग विद वैसलीन बेस
सेमी सॉलिड प्रिपरेशन ऑफ ड्रग विद वैसलीन बेस, उसको क्या बोलेंगे हम, ऑइंटमेंट। ठीक है, फिर आपके चलते हैं आगे। नेक्स्ट जो कई बार क्वेश्चन पूछता है वो पूछता है सपोजिटरी क्या होती है। ठीक है, सपोजिटरी क्या होती, सपोजिटरी क्या होती, एक ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, सपोजिटरी क्या होती। दूसरा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है आपके ट्रांसडर्मल पैच क्या होता है, ट्रांसडर्मल पैच क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एंटेरिक कोटेड, एंटेरिक कोटेड टैबलेट क्या होती है, या फिर सस्टेन रिलीज टैबलेट क्या होती है, सस्टेन रिलीज टैबलेट क्या होती है। ठीक है, और एक चीज और है आपके जो एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट क्या होती है, कंफ्यूजिंग है चारों, चारों का एक साथ हम पढ़ते हैं। एक्सटेंडेड रिलीज, एक्सटेंडेड रिलीज क्या होती। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सपोजिटरी की बात करें तो सेमी सॉलिड प्रिपरेशन ऑफ ड्रग। ठीक है, देखो लिख रहा हूं मैं, सपोजिटरी क्या है, जिलेटिनाइज्ड, जिलेटिनाइज्ड मतलब जिलेटिन से कवर किया हुआ है, जिलेटिनाइज्ड फॉर्म बेस्ड ड्रग, फॉर्म बेस्ड ड्रग दैट इज इंसर्टेड, inserted into vagina, rectum or urine, or urine. इसको क्या बोलेंगे हम, सपोजिटरी बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सपोजिटरी बोलेंगे। आगे चले, नेक्स्ट हम बात करें कि ट्रांसडर्मल पैच क्या होता है। ठीक है, ट्रांसडर्मल पैच क्या होता है, इसकी तरफ चलते हैं, इंपॉर्टेंट है चारों के चारों। ट्रांसडर्मल पैच लिखना, ऐसा प्रिपरेशन ड्रग का जिसको डायरेक्टली क्या करें, स्किन पे अप्लाई कर दे, स्किन पे जैसे ही हम अप्लाई करेंगे फिर वहां से धीरे धीरे ड्रग क्या हो डिफ्यूज होकर चली जाए। तो लिख दीजिए, इट इज directly applied, applied on skin, directly applied on skin, the drug slowly diffuse into bloodstream। आपके fentanyl पैच आते हैं, मॉर्फिन पैच आते हैं, जो डायरेक्ट लगाया उसके धीरे धीरे वो एब्जॉर्ब होती रहे। ठीक है, आगे की बात करें कि एंटेरिक कोटेड टेबलेट की बात करें कि एंटेरिक कोटेड टेबलेट क्या होती है। ठीक है, तो इनके अंदर जो कवरिंग तो है इसके ऊपर, एक्चुअल बात की जाए तो क्या है, क्या पर्पज है, तो लिखना इसके आगे क्या, प्रिपरेशन ऑफ ड्रग, प्रिपरेशन ऑफ ड्रग that delay the absorption of, that delay the absorption of, that delay the absorption of drug until it reaches into a small intestine, जब तक मेडिसिन स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं पहुंच जाए, जब तक ड्रग स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं पहुंच जाए तब तक उसके एब्जॉर्प्शन को विदोल्ड करके रखे, ऐसा प्रिपरेशन, ऐसी कवरिंग कर दे उसके ऊपर, उसको क्या बोलेंगे, एंटेरिक कोटेड टैबलेट, क्या बोलेंगे, एंटेरिक कोटेड टैबलेट। ठीक है, एक चीज ध्यान रखनी है, इन पे क्या करना है, डू नॉट क्रश, डू नॉट क्रश दीज मेडिसिन, इनको आपको कूटना नहीं, ठीक है, कूट के नहीं देना,
ठीक है आगे चले, आगे चले नेक्स्ट। एक्सटेंडेड रिलीज क्या होता है? ठीक है एक्सटेंडेड रिलीज क्या होता है इसकी तरफ चलते हैं, दोनों में फर्क है थोड़ा सा। ठीक है एक्सटेंडेड रिलीज और इसके अंदर आगे लिखना है इसमें क्या है, प्रिपरेशन ऑफ मेडिकेशन, प्रिपरेशन ऑफ मेडिकेशन, प्रिपरेशन ऑफ मेडिकेशन दैट डिटरमाइन स्लो रिलीजिंग, दैट डिटरमाइन स्लो रिलीजिंग ऑफ ड्रग, दैट डिटरमाइन स्लो रिलीजिंग ऑफ ड्रग। ठीक है देखो दोनों में क्या हुआ, एंटेरिक कोटेड की बात करें ठीक है और एक्सटेंडेड रिलीज, इसके अंदर हम ड्रग के रिलीज को एब्जॉर्प्शन को डिले कर रहे हैं और इसके अंदर स्लो कर रहे हैं, इसमें डिले कर रहे हैं। कब तक डिले? जब तक ये मेडिसिन कहां नहीं पहुंचा, स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं पहुंचा। ठीक है एक्सटेंडेड रिलीज की बात करें, इसमें स्लो प्रिपरेशन हमने ड्रग का किया, ठीक है स्लो प्रिपरेशन हमने ड्रग का किया है। ठीक है एक्सटेंडेड रिलीज, ठीक है एक्सटेंडेड रिलीज को डिस्टेंड रिलीज भी बोलते हैं। तो सिंपल बात करें सपोजिटरी ट्रांसडर्मल पैच, ठीक है और एंटेरिक कोटेड टैबलेट और आपके एक्सटेंडेड रिलीज, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ी सी। ठीक अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है कॉमन यूनिट एंड वैल्यूज, कॉमन यूनिट एंड वैल्यूज, इसमें दो तीन यूनिट पढ़ेंगे उसके बाद फिर आगे चलेंगे फिर ड्रग के एडमिनिस्ट्रेशन के रूट्स पर। कॉमन यूनिट एंड वैल्यूज, कॉमन यूनिट एंड वैल्यूज, कॉमन यूनिट एंड वैल्यूज, ठीक है चलो अब इस पे एक छोटा सा आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, ज्यादा कुछ इस पे के अंदर मैं डिस्कस भी नहीं करूंगा। ठीक है देखो कॉमन यूनिट में आपको पता है कुछ यूनिट, तो 1 kg कितने के बराबर, आपके 1000 ग्राम के बराबर, 1 ग्राम कितने के बराबर 1000 mg के बराबर, 1 mg कितने के बराबर 1000 माइक्रोग्राम के बराबर, 1000 माइक्रोग्राम के बराबर। ठीक है और हम आगे चले तो 1 pound, 1 pound, 1 kg कितने के बराबर होगा 2.2 pound, कितना 2.2 pound। ठीक है पाउंड को ऐसे लिखेंगे LBS, पाउंड। ठीक है आगे की बात करें तो 1 gallon 4 liter, 4 liter जो इंपॉर्टेंट है वो आपके दो चीजें, ठीक है क्या टेबल स्पून और टीस्पून, नाम से पता लग रहा है कि छोटा कौन सा होगा, छोटा कितना होगा, छोटा कौन सा होगा, टीस्पून होगा या टेबल स्पून होगा। ठीक है सोच के देखो एक बार, टीस्पून होगा या टेबल स्पून होगा, छोटा कौन सा होगा इसके अंदर। ठीक है टीस्पून होगा तो ये आपके 5 ml, ठीक है टेबल स्पून कितना 15 ml, ठीक है 5 ml और 15 ml। ठीक आगे की बात करें कि जो टेबल स्पून है, ठीक है इसको आप TSP से भी लिख सकते हो। ठीक है कैसे लिखोगे देखो, ऐसे कैपिटल टी से लिख सकते हो ओनली, इसको स्मॉल टी से लिख सकते, ठीक है दूसरा शॉर्ट फॉर्म काम में लोगे TBSP, ठीक है TBSP इसमें आप काम में ले सकते हो TSP। ध्यान से समझना, टी चाहे छोटे से शुरू करो चाहे बड़े से शुरू करो टी स्पून ही होगा, जब तक टेबल में बी नहीं लगाएंगे जब तक टेबल स्पून नहीं होगा। ठीक है
अकेला आएगा तो एसएटी आएगा और एसएटी आएगा, ठीक है। थोड़ा सा आपको ये चीज का ध्यान रखना है, ठीक। एक चीज और याद रखना है, वन ग्रेन, और लिखवा रहा हूं मैं, टेंशन मत लो, दो तीन वैल्यू और लिखवा रहा हूं, वही वैल्यू लिखवाइए जो आ सके, ठीक है। नेक्स्ट, वन लीटर, वन लीटर तो लिख लिया, वन पिन, वन पिन कितने ग्राम, 500 ml, एक 1 ml 1 cc के बराबर, 1 ml 1 cc, वन ग्रेन 60 mg के बराबर। ग्रेन को ऐसे लिखेगा gr, ठीक है, वन ग्रेन 60 mg के बराबर। और आगे चले, ठीक है, वन मिनिम ये कितने के बराबर होगा, वन मिनिम वन ड्रॉप के बराबर, वन मिनिम कितने के बराबर, वन ड्रॉप, वन ऑन्स अप्रोक्सीमेटली 30 ml के बराबर, अप्रोक्सीमेटली 30 ml के बराबर, ठीक है। कुछ सॉल्ट फॉर्म्स हैं जो कई बार पूछी जाती है, कॉमन सॉल्ट फॉर्म्स, ठीक है, आपको कुछ इसके अंदर रवि जी आप वो याद रख लो, ठीक है, 475, ठीक है। वैसे तो देखो एग्जैक्ट ये भी 30 ml नहीं होगा, 29 point कुछ ही होगा, ठीक है, 29 point कुछ ही होगा, ठीक। और विजय अंकु, ठीक है, 1 ml में, जैसे आपको भी पता होगा, पता नहीं आज आप उल्टे सवाल क्यों कर रहे हो, ठीक है, 1 ml में आपको भी पता होगा कि मैक्रो, यदि आपके ड्रिप चैम्बर है, मैक्रो यदि ड्रिप चैम्बर है आपके, ठीक है, तो इसके अंदर ड्रॉप 10 to 20 होगी, ठीक है, माइक्रो है तो कितनी होगी, 60 होगी, ठीक है, ये आपको भी पता है, ठीक है, 15 होगी या 20 होगी, 10 to 20 होगी, एवरेज पूछेगा तो 15 होगी, ठीक है, एवरेज पूछेगा तो 15 होगी। जब शॉर्ट फॉर्म पढ़ाए तो ये पूछना, जब ये पूछे तो फॉर्मूला पूछना, जब फॉर्मूला पूछे तो डायरेक्टली फॉर्म पूछना, ऐसे ही करते हैं, ठीक है, ऐसे ही करते हैं मेन ले लो, ठीक है, समझा करो किसी बात को, कि किसी को अच्छा लगे तो पढ़े, नहीं लगे तो जा भी सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, दरवाजे खुले हैं सभी के। मैं वही चीजें डिस्कस कर रहा हूँ जो मेरे को लगता है कि हाँ फंडामेंटल में से आ सकते, ठीक है। अब हम बात करें कि देखो शॉर्ट फॉर्म्स, एब्रीविएशंस की बात करें, कुछ शॉर्ट फॉर्म्स सीएचओ के हिसाब से जो हम पढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है, कुछ शॉर्ट फॉर्म्स जैसे कि आपके एसी, पीसी, एएम, पीएम, अल्टरनेट डे, एएलटीडीएवा, ठीक है, ओएम, OD, OM, ठीक है, ये कुछ शॉर्ट फॉर्म्स जो डायरेक्ट याद है। AC आपको याद रखना है किसके लिए, बिफोर मील, खाना खाने से पहले, बिफोर मील। PC आपको किसके लिए याद रखना है, पोस्ट मील, खाना खाने के बाद। AC और PC खाने से लिंक कर, ठीक है। AM की बात करें तो AM कब होगा आपके, बिफोर नून, बिफोर नून मतलब मॉर्निंग, ठीक है। पीएम आपके आफ्टरनून, आफ्टरनून, ठीक है, शाम के टाइम, ठीक। और हम बात करें एएलटीडीएवाई, इसका नाम, इसका है अल्टरनेटिव डे, अल्टरनेटिव डे, ठीक है। ओएम का मतलब है ईच मॉर्निंग, Each morning, ठीक है। आपके OD का मतलब है once a day, once a day, या फिर बोल सकते हो daily, या फिर बोल सकते हो daily। ON का मतलब है each night, हर रात हुई, ठीक है। अभी दस थोड़ा सा
ठीक, दो चीजें, एक एच एस याद रखना जो इम्पोर्टेंट है, ठीक, एक एच एन याद रखना है और एक सी एम याद, ठीक है, सी एम याद भाई, किसी को पढ़ने ही नहीं दे रहा है एक भाई। हाँ जी, ध्यान से समझना, एच एस एच एन सी एम ये आप याद हो जाएगी, तो ये याद करना, एच एस एच एम सी एम, ठीक है, प्लीज ध्यान दीजिए इधर, एच एम एच एस सी एम, ठीक है। देखो एच एन की बात करें, ठीक है, एच एस होता है बेड टाइम, एच एस मतलब बेड टाइम, ठीक है, बेड टाइम मतलब जब पेशेंट सोने जा रहे तब, ठीक है, शाम को। एच एन का मतलब होता है बेड टाइम, तो एच एस लिख दिया। एच एन का मतलब होता है टू नाइट, टू नाइट, क्या फर्क है दोनों में, ये डेली होगी, एच एस लिख दिया मतलब डेली सोते वक्त देना है, ठीक है, बट एच एन का मतलब है ओनली आज रात को ही देना, एक ही बार देना है, ओनली आज रात को देना। सी एम का मतलब है टुमारो मॉर्निंग, टुमारो, उसको क्या बोलेंगे, टुमारो मॉर्निंग, हाँ, ओनली टुडे नाइट, ओनली टुडे नाइट, एच एन टू नाइट, टू नाइट का मतलब होता है आज रात, ठीक है। फिर और आगे की तरह तो तीन चीजें और इंपॉर्टेंट है, पी आर एन, ठीक है, एस ओ एस और पी आर एन, एस ओ एस और आपके स्टैग, पी आर एन, एस ओ एस और स्टैग, ठीक है, ये तीन चीजें होती है। पी आर एन का मतलब क्या, व्हेन रिक्वायर्ड, व्हेन रिक्वायर्ड, एस ओ एस का मतलब क्या, इन इमरजेंसी, इन इमरजेंसी, ठीक है, जब भी बहुत ज्यादा इमरजेंसी हो तो, व्हेन रिक्वायर्ड में कोई जरूरी नहीं इमरजेंसी, ठीक है, एसओएस में इमरजेंसी होगी, स्टेट के अंदर क्या होगा, एट वंस एंड अर्जेंट, अभी देना है और एक बार ही देना है, स्टेट ऑर्डर का मतलब होता है अभी देना है और एक बार देना, ठीक है, ये आपको याद भी रह जाएगी, ये तीन तो ये याद रखनी है और तीन ही है यार, आपका काम हो जाएगा। यहां तक क्लियर, तो आगे चले, यहां तक क्लियर है तो आगे चले, हाँ जी बताइए, हाँ या ना बोलिए, क्लियर है यहां तक, चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट आता है आपके रूट्स ऑफ ड्रग एंड, रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ध्यान से समझना, एक छोटा सा कंसेप्ट है, ठीक है, रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, जब भी हम रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं तो थोड़ी सी चीज, एक चीज देखिए कि जो ड्रग एडमिनिस्टर कर रहे हैं वो दो बेसिकली हमने क्लासिफाइड किया है रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को, कौन कौन सा, आपके आपके पहली बात है नॉन पेरेंटल रूट, दूसरा है आपके पास पेरेंटल रूट, ध्यान से समझना, पेरेंटल, नॉन पेरेंटल रूट और दूसरा पेरेंटल, ठीक है, पहले इसकी बात कर लेते हैं नॉन पेरेंटल की, फिर पेरेंटल की बात करेंगे, नॉन पेरेंटल ये रहा, ठीक है, पेरेंटल ये रहा, ठीक है, पेरेंटल की बात करूं तो क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग, क्या, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग बाईपासिंग, बाईपासिंग और यू कैन से क्रॉसिंग, क्रॉसिंग, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग बाईपासिंग और क्रॉसिंग दी म्यूकस मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन और स्किन, ऐसा हर ड्रग को एडमिनिस्ट्रेशन करने का रूट जिसके अंदर या तो म्यूकस मेम्ब्रेन को, जो बॉडी के इनर साइड में म्यूकस मेम्ब्रेन को क्रॉस करके ड्रग को एडमिनिस्टर किया जाए, या फिर आपके स्किन को क्रॉस करके ड्रग को एडमिनिस्टर किया जाए,
इसका मतलब सीधे सीधे निडल की हेल्प ली जाए, ठीक है, निडल की हेल्प ली जाए, स्किन के अंदर ऑपरेशन करके अंदर ड्रग को डाला जाए, वो सारे के सारे कौन से आएंगे, पेरेंटल रूट। अदर रूट्स कौन से होंगे आपके, नॉन पेरेंटल, ठीक है, अदर रूट्स, रूट्स अदर देन, रूट्स अदर देन पेरेंटल, सिंपल बात है, ठीक है। तो शायद हम ये चीज, ये सिंपल डेफिनेशन से हम ये क्लियर कट पहचान पाएंगे कि कौन सा पेरेंटल होगा, कौन सा नॉन पेरेंटल, ठीक है। अब आप मेरे को बताओगे, मैं आपको पूछ रहा हूं, सब क्यूटेनियस रूट कौन सा होगा, पेरेंटल या नॉन पेरेंटल, पेरेंटल को पी लिखो, नॉन पेरेंटल को एन पी लिख सकते, कौन सा होगा सब क्यूटेनियस रूट, कौन सा होगा, पेरेंटल, ठीक है। तो देखो मैं यहां पे इसके एग्जांपल, इंट्राडर्मल, इंट्रामस्कुलर, सब क्यूटेनियस, ठीक है, और आपके इम्प्लांटेशन, एक रूट होता है इम्प्लांटेशन जो मैं अभी लिखाऊंगा, इम्प्लांटेशन जिसमें ड्रग को स्किन के अंदर ऑपरेट करके हम अंदर डालते हैं, ठीक है, और आपके इंट्रावीनस, इंट्रा आर्टेरियल, इंट्रा आर्टेरियल, इंट्राथीकल, इंट्राथीकल, ठीक, एडजस्टमेंट और लिख देंगे, और बहुत सारे लिख देंगे, इसके अंदर आपके कौन सा बकल, सबलिंगुअल, ओरल, बकल, सबलिंगुअल, ओरल, सपोजिटरी, सपोजिटरी, इंस्टिलेशन, ये सर। अब एक एक की बात करते जाएंगे, लिखते जाएंगे, बात करते जाएंगे, ठीक है, सारी चीजें मैं डिस्कस कर रहा हूं, एक एक रूट का क्या होता है, क्या होता है, लिखते जाए, ठीक है। तो पहले हम बात करेंगे आपके कौन से वाले, नॉन पेरेंटल रूट्स, किसकी बात करेंगे, नॉन पेरेंटल रूट, एक एक पॉइंट लिखते जाएंगे, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, नॉन पेरेंटल रूट, ध्यान से समझना प्लीज, ठीक है, आज मैं उतनी एनर्जी नहीं, इस वजह से थोड़ा धीरे बोल, ठीक है। देखो नॉन पेरेंटल में पहला आता है आपके, नॉन पेरेंटल रूट में फर्स्ट आता है आपके ओरल रूट, ओरल रूट, और जो ओरल रूट है, ठीक है, इससे जो ड्रग एडमिनिस्टर करते हैं, ठीक है, इसको हमने तीन पार्ट्स में डिवाइड कर, कि ओरल का मतलब, ठीक है, तीन पार्ट्स में हमने डिवाइड कर, कौन कौन सा हो गया ओरल में, आपके सबलिंगुअल, सबलिंगुअल रूट, दूसरा आपके हो गया आपके एंट्रल रूट, और तीसरा हो गया बकल रूट, ओरल के अंदर से, ठीक है। पहले तो ओरल पे लगाओ सर्कल, और आगे लिखो मोस्ट कॉमन रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, मोस्ट कॉमन, कॉमन रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, मोस्ट कॉमन रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। सीएचओ की टेस्ट सीरीज 16 या 17 तारीख से स्टार्ट कर रहे हैं, 17 या 18 से हमने स्टार्ट कर देंगे आपको, जल्दी आज ही हम, आज या कल तक आपको जो भी हमारा प्लान रहेगा वो बना के आपको दे देंगे, ठीक है, टेंशन ना। सबलिंगुअल की बात करें, हमारे रेट वैसे भी बहुत कम होते हैं, ठीक है, 50 से 100 रुपए के बीच में रेट होते, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं होते, हर चीज रेट कम ही रखते हैं हम, इतने ज्यादा नहीं, ठीक है। आगे की बात करें, सबलिंगुअल में का ड्रग कहां प्लेस करेंगे, अंडर द टंग, अंडर द टंग, अंडर द टंग, कहां पे, फ्लोर ऑफ माउथ, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है, फ्लोर ऑफ माउथ कहां करेंगे, फ्लोर ऑफ माउथ, एंट्रल में कहां करेंगे, ऑन टॉप ऑफ टंग, ठीक है, ऑन टॉप ऑफ टंग, बट इससे कंफ्यूज हो सकते, टॉप ऑफ टंग एंड स्वेलो, ठीक है, उसके बाद उसको स्वेलो कर जाना है, ऐसा नहीं कि वहीं से एब्जॉर्प्शन होगा, तो ध्यान रखना एंट्रल रूट में ड्रग का एब्जॉर्प्शन टॉप ऑफ टंग से नहीं होगा, टॉप ऑफ टंग से नहीं होगा, टॉप ऑफ टंग पे तो ड्रग को प्लेस करके फिर स्वेलो करेगा, ठीक है, यहाँ पे ड्रग का एब्जॉर्प्शन ही फ्लोर ऑफ माउथ या अंडर द टंग से होगा,
और यहाँ बक्कल वाले रूट में भी ड्रग का एब्जॉर्प्शन होगा, वो कहां से होगा, बिटवीन चीक एंड गम, बिटवीन चीक एंड गम्स, यहाँ पे जो तंबाकू खाने वाले लगाते हैं ना यहाँ पे तंबाकू होगा, ठीक है बक्कल, इतना कर लोगे। यहाँ पे सबलिंगुअल पे एक क्वेश्चन आता है बार बार, और भुवनेश्वर में भी आता है, एक चीज लिख देना आपके अब्जॉर्प्शन रेट इज हायर देन अब्जॉर्प्शन रेट इज हायर देन इंट्रामस्कुलर, इंट्रामस्कुलर से भी ज्यादा इसका अब्जॉर्प्शन रेट है, ठीक है। तो ये आपके ओरल में आपको याद रखना है, और बहुत सारे रूट हैं जो मैं आगे बढ़ता जा रहा हूं। फर्स्ट आपके पूरा हो गया ओरल रूट, फर्स्ट आपके पूरा हुआ ओरल रूट, सेकेंड आपके है ओरल रूट के बाद जो सेकेंड है वो है आपके पल्मोनरी रूट, पल्मोनरी इसके अंदर क्या इनहेलेशन ऑफ ड्रग, इनहेलेशन ऑफ ड्रग, जैसे एग्जांपल साल्बुटामोल इनहेलेशन, साल्बुटामोल इनहेलेशन, ठीक है, जो अस्थमा की दवाई देते हैं वो, ठीक। नेक्स्ट आता है आपके इनक्शन, इनक्शन, इनक्शन क्या होता है, पहले उसकी बात करते हैं कि इनक्शन होता क्या है। देखो टॉपिकल एप्लीकेशन ऑफ ड्रग बाय फ्रिक्शन, क्या बोले, टॉपिकल एप्लीकेशन ऑफ ड्रग, ऑफ ड्रग बाय फ्रिक्शन, फ्रिक्शन, ठीक है, ऐसे दवा लगाए वो टॉपिकल एप्लीकेशन ऑफ ड्रग बाय फ्रिक्शन, उसको बोलेंगे इनक्शन, ठीक है। आगे की बात करें फोर्थ आता है इंस्टीलेशन, नॉन पेरेंटल पढ़ रहे हैं, इंस्टीलेशन, इंस्टीलेशन, इंस्टीलेशन का मतलब होता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लिक्विड फॉर्म ड्रग, फार्मा भी आएगा, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लिक्विड फॉर्म ड्रग बाय लिक्विड फॉर्म ड्रग इनटू बॉडी कैविटीज, into body cavities drop by drop। देखो आपको मैं एक चीज बताता कि CHO के एग्जाम को ज्यादा इजी मत लेना, क्वेश्चन इजी आएंगे बट कट ऑफ आई जाएगी, क्वेश्चन तो इजी आएंगे बट कट ऑफ आई जाएगी, ठीक है, आपको लिमिटेड चीजें ही पढ़नी पड़ेगी, ठीक है, तो ही आपका सिलेबस कवर होगा, लिमिटेड चीजें ही पढ़नी पड़ेगी, बड़ी बड़ी चीजें पढ़ने से कोई खास फायदा नहीं होने वाला, हकीकत बोलो, बेसिक चीजें यदि निकालोगे तो उसका फायदा डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगा, नहीं बेसिक क्वेश्चन भी गलत हो गए तो फिर कोई फायदा, ठीक है, ड्रॉप बाय ड्रॉप, जैसे कि आपके आई ड्रॉप्स, ईयर और नेजल ड्रॉप, आई ड्रॉप, ईयर और नेजल, आई ड्रॉप्स, ईयर ऑल, नेजल ड्रॉप, इंस्टीलेशन हो गया। नेक्स्ट है आपके इरिगेशन, इरिगेशन, इरिगेशन का मतलब होता है वॉश का, लिख दीजिए फ्लशिंग, फ्लशिंग द बॉडी कैविटीज बाय सॉल्यूशन, फ्लशिंग ऑफ, फ्लशिंग ऑफ बॉडी कैविटीज बाई सॉल्यूशन, जैसे कॉलन इरिगेशन, ब्लैडर इरिगेशन, ठीक है, वॉश आउट करना, फ्लशिंग करना, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपके सिक्स नंबर का इंसर्शन, इंसर्शन ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन करने में, CHO का एग्जाम भैया निकलते रहते हैं निशान जी, हर जगह से निकलते रहते हैं, कोई भी पढ़ सकता है, कोई भी एग्जाम लिख सकता है, ठीक है, अभी तो राजस्थान में भी कोई भी लिख सकता है, जनरल से अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। सिक्स्थ नंबर आपके आता है कौन सा, इंसर्शन,
इंसर्शन ऐसे पूछेगा, सपोजिटरी कौन से रूट से एडमिनिस्टर करते हैं, ठीक है। तो इंसर्शन क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सॉलिड फॉर्म ड्रग इनटू बॉडी के, इनटू बॉडी कैविटीज, एग्जांपल सपोजिटरी, एग्जांपल सपोजिटरी। और आगे चलते हैं, नेक्स्ट आता है आपका इंसफ्लेशन सेवन, इंसफ्लेशन, ठीक है। क्या होता है इंसफ्लेशन, थोड़ा सोचो, लिख रहा हूं मैं, पर्मोररी रूट आईवी से भी जल्दी इफेक्ट करता है क्या? हाँ करता है, ठीक है, पल्मोनरी रूट भी करता है, फिर भी पूछे तो आईवी आंसर ही देना है, ठीक है। भगवान राम जी, गुड इवनिंग, ठीक है। इंसफ्लेशन की बात की जाए कि इंसफ्लेशन क्या होता है, तो लिखना एप्लीकेशन ऑफ पाउडर फॉर्म ड्रग, application of powder form drug by blowing on wounds or body cavities by the help of इंसफ्लेटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है, जैसे हम हेयर ड्राई करते हैं ना वैसे, उसमें मान लो कोई पाउडर या फिर वेपर, एक चीज और लिख लो, पाउडर एंड और वेपर, ठीक है, कोई ऐसे वेपर आपके स्टीम टाइप की चीज जिसको डायरेक्ट हम ब्लो करें उसके ऊपर छिड़के, ऐसी चीज है तो उसको बोलेंगे इंसफ्लेशन। क्या है, इंसफ्लेशन, ठीक है। हेयर ड्रायर आता है कुछ वैसी चीज। एनीमा किस में आएगा मतलब क्या, नॉन पेरेंटल में कौन सा रूट है, नॉन पेरेंटल, ठीक है। मेडिकेटेड एनीमा किस में आएगा, नॉन पेरेंटल। आगे चले, नेक्स्ट आता है आपके पास पेरेंटल रूट ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के पेरेंटल, हाँ जी, पेरेंटल रूट को भी थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिए, ठीक है। आपके इंट्राडर्मल कहां पे, इन डर्मिस, एपिडर्मिस के नीचे डर्मिस, इंट्रा मस्कुलर इन मसल, कहां पे देंगे, मसल्स, इंट्रावास्कुलर, इंट्रावीनस, सॉरी, ठीक है, किस में देंगे, इन वेन्स, इंट्रा आर्टेरियल, इससे आप कंफ्यूज करेगा, ठीक है, मैं तो भाई साइड में खड़ा हूं, मैं तो ब्लैक बोर्ड में गया बिल्कुल ही नहीं है राहुल जी, मैं तो इधर खड़ा हूं, मैं तो दिख भी नहीं रहा, लिख रहा हूं आज। आगे चले, इंट्राडर्मल, इंट्रामस्कुलर, इंट्रा वीनस, इंट्रा आर्टेरियल, जो इससे कंफ्यूज होगा वो होगा इंट्रा आर्टिकुलर, इंट्रा आर्टेरियल, ठीक है। देखो इंट्रा आर्टेरियल से कौन सा आपके कंफ्यूज होगा, इंट्रा आर्टिकुलर, आर्टिकुलेट का मतलब होता है जॉइंट ऑर्गन, आर्टिकुलेट का मतलब होता है जॉइंट ऑर्गन, इससे आपको याद रखना पड़ेगा। तो इंट्रा आर्टेरियल, इसके अंदर ड्रग किसमें लगाओगे, इन आर्टरीज, आर्टरीज, वैसे कोई भी ड्रग आर्टरी में हम नहीं देते, इंट्रा आर्टेरियल, इसके अंदर जो ड्रग दोगे किसमें, इन जॉइंट्स, किसमें दोगे, इन जॉइंट्स,
इन जॉइंट्स। आगे चलें, नेक्स्ट आता है इंट्राथीकल, इंट्रा थीकल, ठीक है। और हम बात करें और जो ट्रक आती है इंट्रा ओसियस, इंट्रा ओसियस। नेक्स्ट आता है इम्प्लांट, देखिए क्लास के रिगार्डिंग ऐसा है, आपको टाइम टेबल भेज ही देते हैं हम, उसी के हिसाब से क्लास देते हैं कि कब फ्री है, ठीक है। गुड गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग सभी को। स्टेटस तो डाला था मैंने, आज भी स्टेटस अपडेट किया है, पता नहीं क्यों नहीं है, ठीक है। स्टेटस आ जाएगा, टेंशन मत लो। इंट्राथीकल इंपॉर्टेंट बात करो, इंट्राथीकल क्या, कहां पे ड्रग देंगे, ड्रग एडमिनिस्टर इन administered in a spinal canal, spinal canal, जैसे सब arachnoid space, subdural, dural space, intraosseous किस में, in bones, implantation, drug surgically deposited, drug surgically deposited under skin, drug surgically deposited under skin, जल्दी से लिखो। जल्दी से आप पांच सेकेंड का टाइम दीजिए, पानी वगैरह पी लो आप। आगे चलें तो आपके सब अरेक्नोइड स्पेस वगैरह हम देंगे, वो इंट्राथीकल, ठीक है। ये सारी चीजें हो गई, नेक्स्ट हम बात करते हैं और आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपके कुछ कॉमन जो ड्रग्स के वो हैं उसकी तरफ, जो कॉमन रूट है ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं कि उनसे कई बार पूछते हैं। देखो ध्यान से आप समझोगे तो चीजें होती है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो डायरेक्ट भी पूछता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग, एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स इट डिपेंड्स ऑन, डिपेंड्स ऑन, ठीक है, न तो आपके रूट पे, न आपके फॉर्म ऑफ ड्रग पे, ठीक है, न आपके साइड पे, किसी पे भी डिपेंड नहीं करते। Absorption of drug depends on blood supply. किस पे डिपेंड करता है? ब्लड सप्लाई, उस एरिया की ब्लड सप्लाई कितनी है इस पे डिपेंड करता है absorption of drug. मेल, ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आए तो ध्यान रखें, ठीक है। अब थोड़ी सी चीज आपको, एक चीज और ध्यान रखनी कि फर्स्ट जो होगा इंट्राडर्मल, ठीक है, किसमें लगाएंगे, ये इंडर्मिस, इसके अंदर जो निडल का एंगल रखेंगे, ठीक है, एंगल और जो डिग्री रखेंगे निडल की स्किन के साथ, वो रखेंगे कितने, 5 to 15 degree, कितने रखेंगे, 5 to 15 degree। तीन चीजें याद रखेंगे, ड्रग कहाँ डिपोजिट करेंगे, एंगल कितने लगाएंगे, कैपेसिटी कितनी होगी, ठीक है, और कॉमन यूज, ठीक। जो ड्रग इसके अंदर डिपोजिट करेंगे उसकी कैपेसिटी की बात करें तो लेस देन 0.5 ml, कितना, लेस देन 0.5 ml,
यूजेज की बात करें, एक चीज और, लार्जेस्ट एब्जॉर्प्शन टाइम, लार्जेस्ट एब्जॉर्प्शन टाइम जो आपके पेरेंटल रूट है उनमें सबसे ज्यादा टाइम में जो ड्रग एब्जॉर्ब होगी वो कौन सी होगी, लार्जेस्ट एब्जॉर्प्शन टाइम में आपकी होगी, ठीक है। दूसरी बात करें इसका यूज, तो यूज किसके लिए करते हैं, सेंसिटिविटी टेस्ट के लिए, सेंसिटिविटी टेस्ट, कोई ड्रग एलर्जिक रिएक्शन चेक करनी हो उसके लिए करते हैं सेंसिटिविटी टेस्ट के लिए, ठीक। या फिर हम बात करें तो आपके बीसीजी वैक्सीन, बीसीजी वैक्सीन ट्यूबरक्लोसिस के लिए लगाते हैं ना, ठीक है, तो बीसीजी वैक्सीन के लिए करते हैं, ठीक है। मोंटेक्स टेस्ट जो करते हैं टीबी की सेंसिटिविटी के लिए, मोंटेक्स टेस्ट, ये भी इसी से करते हैं, मोंटेक्स टेस्ट। जो कॉमन साइट है एक वो भी चीजें लिख लीजिए, कॉमन साइट कि कहां पे कॉमन, ये कॉमन साइट है इसका, इनर एस्पेक्ट ऑफ फोरा, इनर एस्पेक्ट ऑफ फोरा, इनर एस्पेक्ट ऑफ फोरा, यहां तक क्लियर, इनर एस्पेक्ट ऑफ फोरा, बस यही चीज याद रखनी है, इंटरनल डर्मिस में लगाएंगे, स्लो एब्जॉर्प्शन होगा इसलिए लार्जेस्ट एब्जॉर्प्शन टाइम होगा, लार्जेस्ट एब्जॉर्प्शन टाइम, रेट नहीं है, टाइम, ठीक है। एंगल इतना होगा, ठीक है, ये आपके कैपेसिटी होगी ड्रग की, सेंसिटिविटी बीसी के मोंटेक्स, तीन तो याद रखना है, कॉमन एस आई। स्किन टेस्ट का मतलब यही होता है भैया, सेंसिटिविटी टेस्ट करना, ठीक है, सेंसिटिविटी टेस्ट करना। नेक्स्ट है सबक्यूटेनियस, नेक्स्ट है आपके सबक्यूटेनियस, ध्यान से समझना प्लीज, सबक्यूटेनियस के भी पांच की पॉइंट है वो आपको याद है। सबक्यूटेनियस ड्रग डिपोजिटेड इन, ड्रग डिपोजिटेड इन सबक्यूटेनियस टिश्यूज, drug deposited in subcutaneous tissues। दूसरी बात करें कि capacity, capacity less than 1 ml, angle की बात करें तो कुछ भी नहीं दे तो 45 degree, अलग अलग दे तो ऐसे आंसर, कुछ भी नहीं दे तो 45 degree, अलग अलग दे तो ऐसे आंसर करें। कैसे, यदि आपसे बोले कि needle 3/8 inch जो निडल है, ठीक है, निडल ऐसे बोलेगा और यहाँ पे एंगल, निडल 3/8 inch, ठीक है, कोई भी चीज ऐसे लिखते हैं, एक बार ऐसे लगाते हैं इसका मतलब होता है, फिर दो बार लगाते हैं तो इंच, ठीक है, एक बार लगाते हैं तो फिट, दो बार लगाते हैं तो इंच, ठीक। कुछ पढ़ लो भाई, कुछ स्टूडेंट है ना जो पढ़ने नहीं, हो सकता है पढ़ाने आते हो किसी को, तो यूट्यूब चैनल ओपन करके वहां पढ़ा, ठीक है, जो पढ़ रहे हैं उनको पढ़ने, ठीक है। एएसटी वहां लिखने की जरूरत नहीं, एएसटी का मतलब होता है आफ्टर सेंसिटिविटी टेस्ट के देना है, जैसे इंजेक्शन लिखा है इंजेक्शन मोनोसेल, आगे लिखा है एएसटी, पहले सेंसिटिविटी टेस्ट करना उसके बाद देना, आफ्टर सेंसिटिविटी टेस्ट, ठीक है, कुछ भी 3/8 inch निडल, या फिर ऐसे बोल सकते हैं 5/8 inch, इन दोनों में से जो बड़ी है, ध्यान से समझ लेना, समय आता नहीं, ठीक है, समय आता नहीं, मैं हकीकत तो बोल रहा हूँ, जब मैं तैयारी किया था ना, मैंने 2012 की बात है, ठीक है, ऐसे चूं चूं के चक्कर में नहीं रहे थे, हकीकत बता रहा हूँ, जब मैंने 2012 में तैयार किया 45 days मैंने ओनली स्टडी की थी, और उस टाइम डीएसएसबी का एग्जाम हुआ था 2012, ठीक है, एक बार में ही झंझट खत्म, फर्स्ट एग्जाम फर्स्ट में ही झंझट खत्म, ठीक है, माँ बाप को खुशी दो, बढ़िया वाले एक साल, ठीक है, जान लगा दो, ठीक है, 18 hours plus पढ़ता था तब जाके बात बनती, ऐसे नहीं,
18 आवर्स प्लस लगातार, कोई ऑनलाइन की चीजें नहीं होती थी, कोई कुछ नहीं होती थी, गिना चुना एक कोचिंग सेंटर होता था जीएमआर करके जयपुर, जिसका भी फर्स्ट बैच हुआ करते थे, ठीक है 2012 की बात कर रहा हूँ, याद कर लो कितनी पुरानी हो, ठीक है, जब मैं ओनली बीएससी था, अब तो एमएससी भी हो गई, गवर्नमेंट में भी आ गए, 6 साल नौकरी भी कर ली, ठीक है सारी चीजें कर ली, और उसी गवर्नमेंट को छोड़ के यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, जो आप सोच रहे हो ना जाने की, ठीक है वहां पे, तो इसीलिए बोल रहा हूँ, कोई टीचर है ना, कोई न कोई मकसद से कोई चीज करता है, उसकी बातें कोई बहुत गहरा इम्पैक्ट छोड़ती है, ठीक है, आप एग्जाम में बैठ के ये लगाओगे ना 3x5 इंच 5x8 इंच, तो पता नहीं लगेगा बड़ी निडल कौन सी, ठीक है, डीएसएसबी में पोस्टेड हूँ भाई 2012 का, डीएसएसबी में पोस्टेड हूँ 2012 का, ठीक है 2012 से 2019 तक नौकरी की, ठीक है उसके बाद गवर्नमेंट नौकरी छोड़ के इधर खड़ा हूँ टीचिंग, गवर्नमेंट नौकरी छोड़ के, एमएससी हूँ मेडिकल सर्जिकल, ठीक है स्पेशलिटी है यूरो नेफ्रोलॉजी, पीजीआई रोहतक, यूरो नेफ्रोलॉजी, जिस दिन किडनी पढ़ाऊंगा ना उस दिन बहुत कुछ हो जाएगा भाई, ठीक है उम्मीद करता हूँ नर्सिंग ऑफिसर की क्लास सुनोगे, बट 100 ही स्टूडेंट को पढ़ाता हूँ, मेरा खुद का कोचिंग सेंटर है, 100 ही स्टूडेंट को पढ़ाता हूँ, ओनली 100 ही स्टूडेंट को पढ़ाता हूँ, पहला बैच रनिंग है, दूसरा बैच आने वाला है 5 अक्टूबर से, केवल 100 ही स्टूडेंट को पढ़ाता हूँ, 100 फर्स्ट में पढ़ रहे हैं, 100 सेकंड में पढ़े हैं, और 100 में से 80 से 85 का सिलेक्शन देके बताऊंगा 6 महीने बाद, खुला चैलेंजेस सारे, इतनी सिलेक्शन रेट कोई सेंटर वाला देके बता दे तो मेरे को बता, ठीक है केवल 8 महीने की बात, ओनली 8 महीने, एग्जाम कोई सा भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है एक एक पीआर यादव का क्वेश्चन, एक एक सॉन्डर्स का क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन पे, एक एक ऑप्शन पे हर स्टूडेंट की डिबेट चलती है ऐसे लाइव, जैसे बोल रहे हैं ऑनलाइन में भी लाइव, तब जाके बात बनती है, और उसके बीच में टाइम मिलता है ना उसमें आपकी क्लास देता, क्योंकि हर आदमी की परिस्थिति ऐसे नहीं होती कि वो कोई पैसे दे पाए 4 से 5 हजार रुपए, ठीक है मोबाइल चला सकता है पैसे नहीं दे सकता पढ़ने के लिए कभी, समझ रहे हो ना बात, देने भी नहीं चाहिए पैसे, पहले धक्के खाने चाहिए, खुद का समय बर्बाद करना चाहिए, अरे एक भी चीज सोचो, मैं 2 मिनट लूंगा आपके ज्यादा नहीं 2 मिनट, आप क्या सोचते हो आज कोई कोई एग्जाम आया जैसे नॉर्थ सेट था, ढंग से तैयारी करते टॉप से टॉप कोचिंग सेंटर की फीस 25,000, टॉप से टॉप की बात कर रहा हूँ 25,000 फीस, इससे ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है आप बिल्कुल काम नहीं करके तैयारी करते 6 महीने, ठीक है आप 15,000 रुपए कहीं पे 15 से 20 हजार में नौकरी कर रहे हो, 90,000 ये 25,000 ये, ठीक और खर्चा लगा लो 1.5 लाख से ज्यादा का कभी नुकसान नहीं होता, ढंग से 8 महीने तैयारी करता कोई बंदा, ठीक है टॉप कोचिंग सेंटर 25,000 में पढ़ के भी, तो ये इतना सा तो 2 महीने में वो कवर कर देता, अब नॉर्थ सेट गया गई साल भर कितना नुकसान हुआ, साल भर वो मेंटली परेशान रहा, ठीक है उसका कौन क्या बोलते हैं रिवर्स हो सकता है रिम्बर्स हो सकता है उसका नहीं हो सकता, उसकी सीनियरिटी गई उसकी 50 चीजें गई, समझा करो समय दिया है तो खींच लो मीटर को जैसे मिले वैसे खींच लो, ठीक है जैसे मिले वैसे खींच लो, जहां से हमको समझ में आ जाए बस और ठीक है देखो ध्यान से समझना 3x8 इंच काम में लेंगे 5x8, ठीक है इंच का मतलब ऐसे है जैसे 1x2 इंच लेंगे, ठीक है तो इसका मतलब है इस यूनिट के इतने पार्ट्स में से इतने ले रहे हैं, इंच के मान लो 1 इंच हो, ठीक है उसके 2 पार्ट्स उसमें से एक ले रहे हैं, तो मैं बात करूं 3x8 इंच 1 इंच का तीसरा भाग, ठीक है 1 इंच का 5 भाग, ठीक है तो कौन सा ये वाली आपके लेंथ जिसकी ज्यादा है, ठीक है जिसकी लेंथ ज्यादा है मान लो ये स्किन के लिए जिसकी लेंथ ज्यादा है वो आपके कम एंगल पे भी अंदर चली जाएगी, जो निडल छोटी है उसका एंगल बढ़ा रखना पड़ेगा, बस यही इसका मेन थ्योरी है और यही होता है हमेशा 3x8 इंच निडल बोले तो सबक्यूटेनियस भी 90 डिग्री पे लगाएंगे, 4x8 बोले तो 45 डिग्री, ठीक है दैट इज द पॉइंट नॉट इट प्लीज दैट इज द पॉइंट, कितना भी बोले इंसुलिन लगाना है ये लगाना है वो लगाना कुछ मत सुनो, निडल देखो कितनी है पहले निडल देखो कितनी,
ठीक है, नीडल देख ली तो सब क्यूटेनस 90 पे भी लगेगा, ठीक है। और कौन से पेशेंट में 90 पे लग सकता है? ये ओबीज क्लाइंट, ओबीज क्लाइंट, क्योंकि उसमें बड़ी नीडल भी वहां के सब क्यूटेनस तक नहीं पहुंच पाए, ठीक है, ओबीज क्लाइंट हो। ठीक, आगे की तरफ चलते हैं। और जो इसके जो यूजेज होंगे उसकी बात करते हैं। पहली बात तो लो मोलिकुलर वेट है, लो मोलिकुलर वेट एफएल, एग्जाम में क्वेश्चन आया है लो मोलिकुलर वेट एफएल। थ्री बाई एट इंच है तो 90, ठीक, हाँ जी, लो मोलिकुलर वेट है पहले, ठीक है। इसके अलावा और क्या? इंसुलिन, इंसुलिन भी तो देते हैं, रेगुलर को ही आईवी देते हैं, बाकी सबको तो ऐसे ही देते हैं सबक्यूटेनस, ठीक है। तो आपके इंसुलिन एडमिनिस्ट्रेशन करना हो, ठीक है। सबसे एक और इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है, वो कौन सा? मीजल्स वैक्सीन, मीजल्स वैक्सीन, BCG वैक्सीन थी, यहां आपको मीजल्स वैक्सीन है। लो मॉलिक्यूलर वेट एपरेंट, मीजल्स वैक्सीन और इंसुलिन, तीन चीजें कम से कम याद रखो। कॉमन साइड की बात करें, आउटर एस्पेक्ट ऑफ अपर आर्म, कॉमन साइड की बात करें, आउटर एस्पेक्ट ऑफ, एस्पेक्ट ऑफ अपर आर्म, बेस्ट एब्जॉर्प्शन के अलग से पूछे, ठीक है। बेस्ट एब्जॉर्प्शन की पूछता है तो क्या बताओगे कि सबक्यूटेनियस इंजेक्शन बेस्ट कहां से एब्जॉर्ब होगा? बेस्ट एब्जॉर्प्शन सोचिए आप, सबक्यूटेनियस इंजेक्शन बेस्ट एब्जॉर्प्शन कहां से होगा? एब्डोमेन, एब्डोमेन में भी कहां से? पेरी अम्ब्लाइकल एरिया सप्लाई के, पेरी अम्ब्लाइकल एरिया कहां से? एब्डोमेन में, पेरी एम्ब्लाइकल एरिया। आगे चले, देखिए जो ये कंसेप्ट है ना, इनको पढ़ाने के लिए चाहिए टाइम, कि यही क्यों होगा, टाइम चाहिए। पहले उसकी फिजियोलॉजी बतानी पड़ती है कि एक्चुअल में क्या है, फिर उसका कंसेप्ट बताना पड़ता है, ठीक है। अब न तो इतना टाइम है कि फिजियोलॉजी बताए, थोड़ा सा ऊपर जाते ही आपका सीएचओ का लेवल क्रॉस हो जाता है, समझ रहे हो ना बात को? एग्जाम कभी भी हो सकता है, जो बोल रहे हैं कि 10 अक्टूबर भी सुनने को आया, ठीक है। और लिमिटेड हमको टाइम मिलता है, इसलिए हम जल्दी जल्दी वो पॉइंट्स बता रहे हैं कि सीधा स्टूडेंट को थोड़ा बहुत फायदा हो जाए, जैसे तैसे कर। इंट्रा मस्कुलर, ठीक है, इंट्रा मस्कुलर, इंट्रा मस्कुलर कहाँ लगाएंगे? इन मसल, 90 डिग्री पे, 90 डिग्री, और जो निडल हो, ठीक है, वो 1.5 इंच क्या होगी? 1.5 इंच आपके निडल काम करेंगे, ठीक है। कितने? 22-24 गेज निडल काम करेंगे, ठीक है। मसल समझ लो, साइट, क्या क्या याद रखना है? मसल का नाम, साइट का नाम, मसल का नाम, ठीक है, और पोजीशन। साइट का नाम, मसल का नाम और पोजीशन, तीन चीजें याद रखना बस, ज्यादा नहीं, ठीक है। पहले साइट है वेंट्रोग्लूटियल, वेंट्रोग्लूटियल, जो दूसरी साइट है वो है आपके डोर्सल ग्लूटियल, जो तीसरी साइट है वो है आपके डेल्टॉइड, जो चौथी साइट है वो आपके वेस्टेरलिस, वेस्टस लेटरलिस, वेस्टस लेटरलिस, ठीक है। पहली चीज तो इसके अंदर देखेंगे, वो क्या देखेंगे कि कितनी ड्रग एडमिनिस्टर कर सकते, कितना अमाउंट ऑफ ड्रग एडमिनिस्टर कर सकते। तो जितनी बड़ी मसल होगी, ठीक है, उसके हिसाब से ही ड्रग आप एडमिनिस्टर कर सकते, ठीक है। पहले तो मसल का नाम ले लो, ठीक है, मसल, कौन सी मसल में हम इंजेक्शन लगा रहे हैं, ठीक है, वेंट्रोग्लूटियल, वेंट्रोग्लूटियल,
तो कौन सी मसल में इंजेक्शन लगा रहे सोचो, दोनों कंफ्यूज है, वेंट्रोग्लूटियल और डॉर्सल ग्लूटियल। वेंट्रोग्लूटियल में ग्लूटियल मीडियम और ग्लूटियल या ग्लूटियस मिनिम, मिनिम और मीडियम दो मसल इसके अंदर लगा है। डोर्सल ग्लूटियल में क्या, ग्लूटियस मैक्सिमस, मसल का नाम है ग्लूटियस मैक्सिमस। डेल्टोइड में आपको क्या पता है कहां लगाएंगे, मिड डेल्टोइड, मिड डेल्टोइड, ठीक है, मिड डेल्टोइड। वेस्टर्स लेटरलिस में कहां लगाएंगे, पीजे चंडीगढ़ में आया हुआ, जब मैं एमएससी का एग्जाम लिख रहा था उस टाइम पे भी आया था, ठीक है, कहां पे लगाएंगे, मिडल वन थर्ड ऑफ एंटीरियो लेटरल एस्पेक्ट ऑफ आई, ये याद रखना है इस पॉइंट, मिडल वन थर्ड ऑफ एंटीरियो लेटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई, ठीक है, ये मिडल वन थर्ड पूछ लो, ठीक है, बाकी तो आता ही रहता, ठीक। इसके ऊपर एक स्पेशल पॉइंट लिख लो कि किसके लिए काम में लेते हैं, इन्फेंट टॉडलर, टॉडलर का मतलब समझ रहे हो ना, 3 साल तक के बच्चे के लिए तक ही काम में, ठीक है, उसके बाद वेंट्रोग्लूटियल, ठीक। अब यहाँ पे अमाउंट कि कितने अमाउंट ऑफ ड्रग, कितने अमाउंट ऑफ ड्रग, ठीक है, देखो इनमें से बड़ी मसल कौन सी है, ये ग्लूटियस मैक्सिमस, बड़ी मसल है आपके ग्लूटियस मैक्सिमस, ठीक है, बाकी ये छोटी मसल, तो बड़ी मसल में ज्यादा क्योंकि सप्लाई ज्यादा है ना, तो बड़ी मसल में ज्यादा, तो बड़ी मसल में देखो ग्लूटियस मैक्सिमस में हम कितना काम में ले सकते हैं, ग्लूटियस मैक्सिमस में देखो आपके, वन मिनट, डोर्सल ग्लूटियल में ग्लूटियस मैक्सिमस मसल, ठीक है, वन मिनट प्लीज, है, हाँ जी, 3 to 4 mm, ठीक है, मैक्सिमम 5 mm, मैक्सिमम 5 mm, ठीक है, क्लिनिकली 3 to 4 mm, इसके अंदर 3 mm, इसके अंदर 3 mm, डेल्टोइड की बात करें 1 to 2 mm, एग्जाम में आया हुआ सब, ठीक है। वेस्टस लेटरलिस की बात करें, ठीक है, वेस्टस लेटरलिस मसल की बात करें तो 3 mm, मैक्सिमम। अब बात करते हैं पोजीशन कौन सी दोगे, मरीज को पोजीशन कौन सी, पोजीशन जनरली पढ़ाते नहीं है टीचर्स, ठीक है, और पोजीशन भी इम्पोर्टेंट, ठीक है, पोजीशन इम्पोर्टेंट है, ध्यान से समझ लेना बात, ठीक है। पोजीशन की बात करें तो पोजीशन सिंपल है कि इसके अंदर वेंट्रोग्लूटियल, देखो आपको, चलो पहले मैं पोजीशन बताता हूं, इसके अंदर अपोजिट साइड लाइन, अपोजिट साइड लाइन, इसके अंदर दो पोजीशन देंगे, डोर्सल ग्लूटियल इसके अंदर प्रॉन, ठीक है, और डेल्टोइड में आप देंगे सिटिंग या फिर सुपर, ठीक, और इसके अंदर देंगे सुपर। कंफ्यूजिंग क्या होता है वो सीधी सीधी बात है, कंफ्यूजिंग क्या होता है, कंफ्यूजिंग होता है, एक तो वेस्टस लेटरलिस इंपॉर्टेंट लगा था, वेस्टस लेटरलिस में लोग सोचते हैं कि लेटरल एस्पेक्ट में तो साइडलाइन पोजिशन देंगे, साइडलाइन नहीं देंगे, सुपाइन पोजिशन, ठीक है, एक तो ये याद है। दूसरा कंफ्यूजिंग होगा इसमें वेंट्रोग्लूटियल और डोर्सल ग्लूटियल, एक चीज ध्यान रखना, ठीक है, आपका टीचर, देखो टीचर पहचानना सीखो, मार्केट में टीचर पहचानना सीखो, यदि कोई टीचर आपके कंसेप्ट को ऐसी ऐसी चीज बता के उलझा देता है, ठीक है, तो हो सकता है आपके ड्रीम फुलफिल कभी ना, ठीक, भगवान ना करे ऐसा। और यदि आपका टीचर आपके कंसेप्ट, मैं मेरी बात नहीं कर रहा हूँ कुछ भी, आपका टीचर आपके कंसेप्ट को यदि इजी कर दे, ठीक है, इतना इजी कर दे कि आपको समझ में आ जाए, तो मान लेना आप सेफ हैंड्स में, इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकते, ठीक है, ध्यान से समझ लें इस बात को। तो सोचो अब मैं कोशिश करता हूँ इसको सिंपल करने की, एक तो दिक्कत आएगी यहाँ पे, तो उसको सफाई, बच्चे के लेटरल साइड में लगाना, उल्टा पटकने की जरूरत नहीं है और लेटरल भी देने की जरूरत नहीं, सफाई, एक तो ये याद है। दूसरी बात करें कि वेंट्रोग्लूटियल और डोर्सल ग्लूटियल, अब एक में प्रोन पोजीशन है, एक में अपोजिट साइड लाइन, लेफ्ट में लगाना है तो राइट साइड लाइन, राइट में लगाना है लेफ्ट साइड, ठीक है। अब बात करें कि कैसे याद रखें, कंफ्यूजिंग तो कंफ्यूजिंग ही होता है, चाहे एक ही हो,
तो डोर्सल का मतलब होता है पोस्टीरियर, ठीक है, डोर्सल का मतलब होता है बैक और पोस्टीरियर, ठीक है, डोर्सल का मतलब होता है बैक और पोस्टीरियर। तो सोचो बैक साइड में उल्टा, बैक मतलब उल्टा, उल्टा किस में लिटाएंगे, डोर्सल, इसके अंदर साइड में, ये भी आपके क्लियर हो जाए, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि जैसे मैं आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट चू 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 बोल रहे थे इतनी बार, जो पढ़ने की बजाय ध्यान नहीं दे रहे थे, वैसे वो अपने आप सबसाइड हो जाते हैं, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। नॉर्मल एक चीज बोल रहा हूँ कि व्हाई वुड वी चूज द वेस्टस लैटरलिस मसल इन टॉडलर और इन्फेंट, क्यों लगाते हैं, क्वेश्चन है कि क्यों वेस्टस लैटरलिस मसल में इंजेक्शन लगाते हैं। अब आप बोलोगे कि मसल डेवलप नहीं होती है, एग्जाम में क्वेश्चन आया था कौन सी डेवलप नहीं होती, एग्जाम में क्वेश्चन आया था कौन सी डेवलप नहीं होती, आराम से सोच लो, याद आ जाए तो बता देना, नहीं है कोई बात नहीं, यूट्यूब ही तो है, क्या फर्क पड़ता है। नहीं, YouTube ही तो है, क्या फर्क पड़ता है साहब, YouTube ही तो है, क्या फर्क पड़ता है साहब, पैसे थोड़ी लग रहे, अरे भाई समय लग रहा है उसका क्या, ठीक है, समय लग रहा है उसका क्या, वो समय, ठीक है, आप सोचो 6 महीने पहले नौकरी लगते, अब लगोगे 5 लाख के, कम से कम 5 लाख के, 10 लाख के समथिंग पेमेंट बनता है एक स्टाफ का जब नर्सिंग ऑफिसर बनता है गवर्नमेंट, ठीक है। यूसुफ मोहम्मद सर ने सही बताया, वेंट्रोग्लूटियल, ठीक है, कौन सा, वेंट्रोग्लूटियल, ये, और ये मोस्ट कॉमन साइड भी, मोस्ट कॉमन इंट्रामस्कुलर साइड, ये डेवलप नहीं होती है बच्चों में, ठीक है, ये तो डेवलप ही होती है, ये डेवलप नहीं होती इसलिए वेस्टस होती है, ठीक है। तो आंसर कौन सा आएगा, आगे चलते नेक्स्ट, ठीक है। तो करीब करीब चीजें मैंने बता दी है, सब में एंगल 90 डिग्री होगा, सब में एंगल 90 डिग्री ही होगा, ठीक है, मिटा रहा हूं मैं, नेक्स्ट आता है आपके, जेट ट्रैक इंजेक्शन टैग, जेट ट्रैक इंजेक्शन टेक्निक किसके लिए काम में लेते हैं, यूज टू एडमिनिस्टर ऑयल बेस्ड ड्रग्स, ठीक है, ऑयल प्रिपरेशन होता है फॉर डिसकलराइजिंग एड और टू इंजेक्ट डिसकलराइजिंग एजेंट, ठीक है। जेट ट्रैक पे मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, आप जो मोबाइल एप्लीकेशन है तरुण सरी लेक्चर्स उसमें अवेलेबल है, कोई भी देख सकते हैं, जेट ट्रैक पूरा पढ़ना है, ठीक है। इसकी बात करें इसका मेन एम क्या होगा, तो ये है टू प्रिवेंट द बैकफ्लो ऑफ ड्रग वाया पेटेंट निडल ट्रैक, जो इंजेक्शन लगाते हैं इसमें क्या करते हैं, जो इंजेक्शन लगाते हैं, ठीक है, तो उससे वापस दवाई आ जाती है और पेशेंट को पेन होता है, ड्रग भी एडमिनिस्टर नहीं होती, ठीक है। जैसे सिंपल चीज समझा देता कि जैसे ऐसे है, ये स्किन के लिए है, ठीक है, ये मसल है, तो ड्रग ऐसे एडमिनिस्टर होगी, जैसे लगाएंगे, ठीक है, जब इंजेक्शन निकालेंगे तो यहाँ से वापस ड्रग चली जाती है, तो इधर आ जाती है सब किनेस्थेसिस्ट में, यहाँ पे पेन करती है, ड्रग का एब्जॉर्प्शन नहीं होता, और यदि कोई डिसकलराइजिंग एजेंट है मतलब कलर छोड़ सकता है, तो ये स्किन के टिश्यू सबक्यूटेनियस टिश्यू डिसकलराइजिंग, इसे प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, जेट ट्रैक लगाते हैं, ठीक है। बट डिसकलराइजिंग नहीं बोलना, ये बोलना है एग्जाम में, जोधपुर एम्स में पहले से आया और इसी के सेक्स में आया, ठीक है, पेन वेन कुछ नहीं बोलना, ये बोलना, ठीक है, पूछे जेट ट्रैक क्यों लगाते हैं, ये बोलना, ठीक है। एग्जाम्पल कौन कौन से ड्रग के लिए काम में लेते हैं, आयरन डेक्स्ट्रान आपके
हिंड्रक होते जो अबॉर्शन को रोकने के लिए देते हैं, हॉर्मोन है, आयरन प्रिपरेशन डेक्सट्रान, वेट वन मिनट, हाइड्रो प्रोजेस्ट्रॉन पैरासिटामोल आईएम देना, ये सब ऑयल बेस्ड कोई भी ड्रग, ठीक है, वो इसी से देते। तो इसमें क्या करते हैं, सिंपली हम क्या करते हैं, पेशेंट की जो स्किन होती है उस पर एक हाथ से ऐसे स्ट्रेच कर लेते, खींच लेते हैं, ठीक है, उसके बाद ड्रग लगा के वापस, ठीक है। तो जो स्किन खींचते हैं वो कितने खींचते हैं, स्ट्रेच करते हैं, कितने स्ट्रेच, तो स्किन करेंगे स्ट्रेच दे, ढंग से लिख देता हूं। देखो जेट ट्रैक, ज्योति सारस्वत ने पूछा है कि जेट ट्रैक इंजेक्शन कैसे लगाते हैं, जेट ट्रैक के रिगार्डिंग मैंने वीडियो बनाया हुआ, ठीक है, मैं इस पे लिंक दे दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, पूरा एक घंटे का वीडियो है, वो हमने बनाया हुआ। हाँ एक चीज और, डैमेज ऑफ सियाटिक नर्व रिस्क, कौन सी मसल में इंजेक्शन देंगे तो सियाटिक नर्व डैमेज होने की रिस्क है। तो डोर्सल ग्लूटियल में दो चीजें और लिख दीजिए, डोर्सल ग्लूटियल में दो चीजें और ऐड करें, डोर्सल ग्लूटियल में दो चीजें और ऐड, रिस्क ऑफ डैमेज ऑफ सियाटिक नर्व, ठीक है, इंजेक्शन एडमिनिस्टर्ड इनटू अपर आउटर क्वाड्रेंट ऑफ बटन, अपर आउटर क्वाड्रेंट ऑफ बटन, ठीक है, इसमें हम ड्रग को एडमिनिस्टर, ठीक है, अपर आउटर क्वाड्रेंट, ये मान लो चार क्वाड्रेंट है तो अपर आउटर में ड्रग को एडमिनिस्टर, ठीक है। जेट ट्रैक इंजेक्शन की बात करें तो जेट ट्रैक वाला मैं आपको इसके अंदर दे दूंगा, डोज कैलकुलेशन के वीडियो पहले बनाए हुए हैं, वो भी मैं आपके यहाँ पे अपलोड कर, ठीक है, तो नीचे लिंक दे दूंगा इसी के अंदर, और मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, आपके करीब 120 आवर्स के वीडियोज हैं, तो जो स्टूडेंट नए हैं वो तरुण सैनी लेक्चर्स मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, तरुण सैनी लेक्चर्स, ठीक है, इसके अंदर आपके करीब 120 आवर्स की वीडियो अपलोडेड है, आप वहां से देख सकते, ठीक है, आप वहां से देख सकते, ठीक है। डायरेक्ट किसी को व्हाट्सएप करना है तो इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकता है 8505968388। किसी स्टूडेंट को कोचिंग करना है ऑनलाइन तो 5 अक्टूबर से बैच शुरू है, ठीक है, इसी नंबर पे जानकारी ले सकता है क्या क्या, ठीक है। वैसे मैं बता देता हूँ, फीस 5500 है, डेली 6 घंटे क्लास होती है, 6 महीने तक पीआर यादव साउंडर्स मूव्स भी सर्टिफिकेशन हम खुद से। हाइड्रो प्रोजेस्ट्रॉन हॉर्मोन है, ठीक है, सिंथेटिक हॉर्मोन हाइड्रो प्रोजेस्ट्रॉन, ठीक है। तो आज के लिए इतनी क्लास है, मेरी तबीयत आज थोड़ी उतनी अच्छी नहीं है जितनी होती है रोज, इसलिए मैं धीरे भी बोल रहा हूँ, ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत। अब आज कोई क्लास नहीं होगी, क्लास होगी आपके कल कम्युनिटी की क्लास है, फंडामेंटल की, कम्युनिटी की और पीडीए की, तीनों की क्लास होगी शायद, ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। आपको जैसा भी लगा हो वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं।